हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा क्लास 8 है, उसके अंदर अपन फिलिंग की डिज़ाइन सीखेंगे कि अभी अगर अपन कोई भी ऐसे लाइंस ऐसे स्क्वायर बना रहे तो उसमें कैसे फिलिंग करने का, कोई भी कैरी बना रहे उसमें कैसे फिलिंग, कोई भी अपन कैरी बना रहे उसमें कैसे फिलिंग करने का, वो सब मैं आपको फिलिंग की डिज़ाइन बता रही हूँ। एक एक स्क्वायर में मतलब एक एक डिज़ाइन बताऊँगी। अगर आपको कोई भी पीछे जो भी मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए है उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा देना कि आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैं कोई भी वीडियोस डाल रही हूँ उस पर। आपको कुछ डाउट है कुछ भी है कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे नहीं कि आप एक बार करोगे उसमें आपको मेहंदी भरना आ जाएगा। आपको पहले है ना अच्छे से पेंसिल से आप सीखो, फिर मैं आपको बाद में ऐसे क्लास मेहंदी से कैसे डिज़ाइन करना वो भी बताओगी। पहले आप पेंसिल से नोट्स बना दो, फिर उसके पेंसिल के आप नोट्स बना दिए तो उसको आप देख के है ना पूरा मेहंदी के कोण से बना सकते हैं। तो अभी अपन आज फर्स्ट फीलिंग सीखते कैसे करते हैं, मतलब फीलिंग अभी आप कैसे भी कर सकते हो। स्क्वायर बना ऐसे राउंड बना, खाली इसमें राउंड करना है, ऐसे पूरा अंदर राउंड करना है, ऐसे साइड में राउंड करना है। बड़ा छोटा होगा तो उसमें कुछ नहीं, मगर ऐसे फिनिशिंग जैसा राउंड होना चाहिए तो आप जब बाद में देखोगे तो एकदम अच्छा दिखेगा। देखो ऐसे ये पूरे में करना है, मैं आपको इतना ही करके बता रही हूँ। पूरे में करोगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक मैं आपको बात बताती हूँ, मतलब टिप दे रही हूँ कि अगर आप जब भी मेहंदी का कोण पकड़ते हो ना, ऐसे मेहंदी का कोण कोई भी पकड़ते हो तो उस टाइम पे हाथ को ऐसे स्टेबल ही रखने का, पहले आप हाथ को स्टेबल रखना सीखो। और यहाँ से हाथ को स्टेबल ही रखने का, खाली यहाँ से ये जो अपना है ना ये वाले एंकल से, उससे अपन को है ना मेहंदी मूव करने का। हाथ को पहले किधर भी स्टेबल कर दो और फिर उससे ऐसे बनाना सीखो। ऐसे तो मैं इसका अभी मेरा ये पेंसिल का अभी 5-6 क्लास और बचा है, उसके बाद मैं आपको अलग से एक शीट आती है उसके ऊपर मतलब कैसे कोण पकड़ने का कैसे चलाने का अच्छे से वो सब सीखोगे। तो पहले अपन फीलिंग सीख लेते हैं। एक बार अगर पेंसिल से सीखा हुआ रहेगा तो फिर अपन मेहंदी के कोण से थोड़ा परफेक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अपन को डिज़ाइन तो आ ही जाएगा। देखो भी इसको पूरा, अभी कोई भी आप कैरी बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो उसमें ये पूरा फील करने का है। फिर ऐसे अपन सर्कल सर्कल भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब सर्कल ऐसे कंटिन्यू सर्कल्स भी कर सकते हैं। ऐसा, और फिर अभी कोई अपन ने ऐसे लाइन बनाई है, इसमें फ्लावर बनाए ऐसे, देखो दो फ्लावर। फिर इसके बाद ये पूरा ऐसे कलरिंग कर देने का, मतलब ये पूरा कोन से भर देने का, मतलब इसको इधर देख के क्या इसके अंदर ना जाए अपना कलर है। और गलती से भी हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से ऐसे ही थोड़ा शेड कर देने का, अंदर की साइड ऐसे इसको पूरा शेड ऐसे पूरा फील करने का। अभी तो ये पेंसिल से थोड़ा टाइम लगेगा होने में, कोन तो भी लिक्विड फॉर्म में रहता है तो जल्दी से हो जाता है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको उसमें भी करके बताऊँगी। इसके बाद तो स्क्वायर की क्लास आने वाली है, उसके अंदर तो आपको मैं स्क्वायर्स के अलग अलग वो भी बताऊंगी, और मैं ना एक एक स्क्वायर्स के शॉर्ट भी डालूंगी। अगर आपको शॉर्ट्स देखने वो भी देख लो, एक शॉर्ट्स का मैंने डाला हुआ है वो, मतलब वो वाला बहुत अच्छा लगता है मेरे को करने में। मतलब एक स्क्वायर बना दिया उसमें फिर एक छोटे छोटे से बॉक्स बनाने के, वो मैं पेंसिल से आपको अच्छे से करना मेहंदी से करना सब बताऊंगी। देखो ऐसे अगर इसको अपन मेहंदी के कोण से करेंगे तो कितना अच्छा दिखेगा। अभी अपन है ना एक और एक ऐसे खाली डॉट किया,
और फिर राउंड, फिर डॉट किया, फिर राउंड, डबल राउंड, जैसे करना कर सकते हैं, डॉट करने का और फिर राउंड करने का, डॉट करने का फिर ऐसे डबल राउंड करने का, मतलब आप है ना पहले डॉट करके पहले सब सिंगल भी कर सकते हो, डॉट करते सब डबल करना है सब डबल भी कर सकते हो, मगर इनका ना ऐसे कंटिन्यू रखने का, इधर डॉट करके फिर इधर ऐसे, इधर डॉट करके इधर ऐसे, ना कैसे बीच में स्पेसेस, तो मैं आपको अलग से दिखाने के लिए ऐसे स्पेस किया ऐसे। डॉट है ना पूरे इक्वल होने चाहिए, मतलब मेहंदी के कोन को, मेहंदी का कोन रखा तो उसको थोड़ा सा प्रेस करने का ऐसे, मतलब अगर आपको एकदम छोटा चाहिए तो एकदम धीरे से प्रेस करने का, वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मतलब तो भी आपको टिप्स दे रही हूँ, अगर आपका मन किया कि हाँ मैंने एक बार पेंसिल से सीख लिया मेरे को एक बार ट्राई करना है तो आप कर सकते हो ट्राई ऐसे, इसको ऐसे डबल, फिर इसको ऐसे करके ऐसे डबल, कोई भी साइड से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड से लेने का, जैसे लेना है आप ले सकते हो। फिर एक और फीलिंग्स की डिज़ाइन बताते हैं, एक सर्कल किया अपन ने, फिर इसमें ऐसे फ्लावर जैसे, इसके ऊपर फिर से फ्लावर, फिर ऐसे लाइन कर सकते हो ऐसे ऐसे वाले, ये पूरे बॉक्स को फिल कर देने का ऐसा। मेरे पास ये सब मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मेरे पास है, मैं अगर आपको देखना है कि हाँ एक पूरे स्क्वायर में फिल करके कैसा लग रहा है वो भी, उसका भी आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपको उसका PDF बना के दे दूँगी, तो आपके पास रहेगा कि हाँ एक मेहंदी क्लास था पेंसिल का, तो वो पूरा एक PDF ही है, कुछ उसमें 20 ऐसा कुछ क्लास है, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं ऐसे क्लास के, मैंने वो नाम तो उसमें लिखे नहीं है नंबर, और ऊपर लिखा है डिज़ाइंस लिखा है, तो उसका मैं आपको PDF चाहिए, मैंने पेंसिल से एक बुक बनाया हुआ है तो मैं आपको दे सकती हूँ PDF, आप उसमें देख सकते हो। तो मैं आपको इतना डिटेल में इसमें बताने जाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वाले में अपन ने क्या किया, एक सर्कल किया हार्ट जैसा, तीन ऐसे फ्लावर जैसा तीन बना दिया, फिर एक लाइन खींच के ऐसे एक किया और फिर इसका ऐसे कर दिया। ये सब डिज़ाइन अपन ने एकदम बारीक बारीक है ना, एकदम बारीक का कैरी के अंदर बनाओगे ना उसका जो फिनिशिंग और लुक आएगा ना एकदम मस्त दिखेगा, मतलब दुल्हन मेहंदी की तरह आप, अरे दुल्हन मेहंदी की तरह लगेगा आपको, मतलब इसके लिए पहले ये सब ऐसे डिज़ाइन सीख लो। देखो ऐसे एक और बताते हैं, अभी इसमें अपन ने ना ऐसे सर्कल करके लीफ बनाए थे, तो अपन इसमें ऐसा राउंड, ऐसा वाला राउंड करेंगे ना उसके बाद भी अपन बना सकते हैं फ्लावर के इस पैटर्न, मतलब एक बार अगर आपको डिज़ाइन, अभी मैं तो इसमें आपको इतने डिज़ाइन बता रही हूँ, आप जैसे सीखते जाओगे ना वैसे आपको है ना आइडियाज़ आती जाएगी, मतलब ज़्यादा है ना खुद से एक बार बिना देख के प्रैक्टिस, अभी मैंने आपको इतनी सारी डिज़ाइंस बताई है उनको जॉइंट करना सीखो, मैं आपको ना ऐसे मतलब आइडियाज़ भी दे दूँगी कि इसके बाद कौन सी डिज़ाइन जॉइंट करने चाहिए, क्या डिज़ाइन आनी चाहिए, वो मैं आपको एक मेहंदी का वो हाथ मैं फील करूँगी ना बताऊँगी आपको, उसका लेक्चर रखूँगी तब बता दूँगी इसको ऐसे। मुझे लग रहा है आज का वीडियो बड़ा होगा, मगर कोई नहीं आप देख लेना, फीलिंग की डिज़ाइन है तो मैं आपको इतनी घाई घाई में तो नहीं बता सकती, ऐसा फील हो गया। फिर एक और बात आती हूँ, ये वाली सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, तो इसको परफेक्टली किया ना अपन ने तो एकदम मस्त दिखेगा, मैं आपको देखो फटाफट करके बता रही हूँ।
ये फ्लावर्स अभी आप पूरे में भर दोगे ऐसे तो कितना मस्त है। खाली इसको डार्क करोगे, मतलब इसमें आप है ना पूरा फील करोगे। आपको बड़ा रखना है, छोटा रखना है, आप ऐसे साइज इंक्रीज डिक्रीज जैसे करना है ऐसे कर सकते हो। देखो ऐसे कितना परफेक्ट दिख रहा है। साइड में ऐसे छोटा छोटा बना देने का, अभी इसमें खाली ये वाला फील करोगे और बाकी इसको ऐसे लीव करोगे। जब इसका कलर आएगा ना उस टाइम एकदम परफेक्ट बेस्ट दिखेगा। फिर एक आप ऐसे भी बना सकते हो, एक डॉट करोगे उसके बाद ऐसे सर्कल ऐसे बाहर जाकर डॉट करके। ये मैंने सर्कल आपको सिखाया हुआ है, ऐसा वाला फीलिंग भी कर सकते, ऐसा वाला फीलिंग भी पूरे मतलब पूरे उसमें आप ऐसा फीलिंग भी कर सकते हो। अभी एक और मैं आपको फीलिंग बता दूँ, ये कैसे सर्कल किया उसमें डॉट किया अपन ने, फिर ऐसे दो लाइन लिया। मतलब आपको याद रखने का, आपको दो लाइन के बाद फ्लावर बनाने का है क्या बनाने का है वो आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद एक और लाइन खींचने का, बड़ा वाला बनाने का। ये जब दुल्हन मेहंदी करते ना उस टाइम जो कैरी बनाते हैं अपन उसमें बहुत मतलब एकदम मस्त लगता है ये। अभी आप ऐसा कैरी के अंदर 5-6 बार डिज़ाइन बनाओगे तो ऐसा मैं आपको कैरी का भी अलग शॉर्ट्स डाल दूँगी तो उसमें आप देख लेना कि कितना अच्छा है। मैं पेंसिल से डालूँगी वैसे वो शॉर्ट्स, अगर आपको पेंसिल मेहंदी के कोन से दोनों से डालूँगी ऐसा फीलिंग। ऐसा मैं आपको ना मेरा जो PDF है ना उसका भी मैं आपको एक बार फ़ोटो भेज दूँगी कि हाँ आप देखोगे कि अपन फील करेंगे ना तब कैसा लगेगा। भी एक और है, ये वाला डिज़ाइन सबसे बेस्ट है। ऐसे तो हर डिज़ाइन ही बेस्ट है मगर ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जो डिज़ाइन बोल रही हूँ वही सबसे बेस्ट है, नहीं, ऐसे तो हर डिज़ाइन एकदम बेस्ट है मगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा मतलब ऐसा अच्छा दिखेगा। और ऐसे ना कि आप ऐसे जॉइंट कर रहे हो तो थोड़ा स्पेस लीव करने का, तो ऐसे इनको जॉइंट नहीं करने का तो उसका फिनिशिंग भी नहीं आएगा परफेक्ट। देखो ऐसा अभी ये ऐसा पूरा 3-4 बार करने का मस्त सीखेगा एकदम परफेक्ट। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही सिखा रही हूँ। अभी ये आपको है ना पूरा पूरा फील करना है। मैंने आपको ऐसे अलग अलग ऐसे डिज़ाइंस बताई है ऐसे वाले, अब इसको पूरा पूरा फील कीजिए। थैंक यू।